नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म कांड मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया 20 साल की सजा और पीड़िता को 7 लाख का मुआवजा का फैसला। सजा हुई है, आप पहले उसका डिटेल बताएं। सजा इसमें 376D में 4 आदमी का हुआ है और 3 आदमी का 21 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत हुआ है, जिसमें 20 वर्ष की सजा हुई है और 10,000 रुपये जुर्माना हुआ है। जो दोषी हैं सभी बालिग थे? हाँ, सही बालिग हैं। जो पंचायत करने वाले हैं उसकी सजा के लिए कुछ विशेष प्रयास नहीं हुआ? नहीं, वो 6 महीना की सजा हुई है उनकी, और असहन कारावास के लिए 6 महीना की सजा हुई है और उनको जो है सो बिल पर रिहा किया गया, क्योंकि साल भर से कम का है इसलिए उनको बिल पर छोड़ा गया, बिल में जाने के लिए छोड़ा गया। सजा तो हुआ ही, जुर्माना पर नहीं किया गया। 7 लाख रुपया कंपनसेशन, विक्टिम को कंपनसेशन में दिया गया है 7 लाख रुपया। ये 2017 की घटना है, कटरा थाना क्षेत्र की। एक किशोरी मेला देखकर अपने भाभी के साथ और कुछ अन्य महिलाओं के साथ लौट रही थी। लौटने के क्रम में उनकी भाभी आगे निकल गई और वो पीछे रह गई। इसी क्रम में जो पहले से घात लगाए जो बदमाश हैं उन लोगों ने घेर लिया। रोशन, गगन, अनीस और सचिन, इन चारों ने उसे घेर लिया, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसके बाद वीडियो उसका वायरल कर दिया गया। वीडियो वायरल किए जाने के बाद उसको तमाम किस्म की पंचायती हुई। गांव के लोग बैठे और 3 लोग हैं जो जिन्होंने पंचायती किया, जिनके बाद और उस लड़के को जिसको मुकर्रर किया गया था, किसी ने उसके साथ इन लोगों ने वीडियो बनाया और इसने गलत दुष्कर्म किया, उसको भगा दिया गया था। यही घटना है और इसी घटने में ट्रायल फेस करके उस बच्ची की, बालिका की गवाही हुई, उसकी भाभी की गवाही हुई, अन्य कुछ गवाह इसमें मुकर गए कुछ दबाव से, प्रभाव से। और आज जो सजा मिली है वो एक ऐतिहासिक सजा है। भले ही पॉक्सो एक्ट में इसमें नहीं हुई हो सजा, लेकिन अन्य सभी धाराओं में जो सजा हुई है उसमें 20 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। सबसे बड़ी बात है, पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत पीड़िता को सरकार 7 लाख रुपया मुआवजा देगी, जो उसके रिहैबिलिटेशन के लिए अच्छी एक राशि होगी। 2001 घटना की तिथि और ये लड़की का नाम और गाँव का नाम ये कहीं भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इस एक्ट के तहत उसका डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। जी, क्या 7 लाख रुपए का अर्थदंड इन पे नहीं लगा? वो तो 20,000 रुपया जुर्माना जो है, 10,000 चारों का जुर्माना वो अलग इन पे लगा है, लेकिन जो पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत जो मुआवजा मिलना है वो सरकार देगी 7 लाख रुपया। मेरे आवेदन पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम एवं स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट ने सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आवेदन अग्रसारित किया है और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं DM साहब को ये पीड़ित प्रतिकर की राशि 7 लाख रुपए मुआवजा में देने का आदेश किया। और जिन लोगों ने पंचायती करके मामले पर अपना पत्र देंगे जी, उनको नहीं, उनको भी सजा हुई है, लेकिन उनको अपील में जाने का 60 दिन का अवसर दिया गया है और 2 साल की।